आज हम लोग जानेंगे इंटरनल ऑर्गन के बारे में। क्या लिखा हुआ ये? इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? तो इंटरनल ऑर्गन का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर वाले भाग। हमारे शरीर के अंदर वाले अंग को क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन बोलेंगे। इसका हिंदी में हम लोग आंतरिक अंग बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे बाबू? आंतरिक अंग बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखे हैं ब्रेन। क्या लिखा हुआ ये? ब्रेन। ब्रेन मतलब सब जानते हैं, ब्रेन मतलब क्या होता है? दिमाग होता है। आगे है स्टोमेक। क्या है? स्टोमेक। स्टोमेक का मतलब होता है पेट। सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं तो इसी में हमारा भोजन जाता है। ठीक है, आगे है लीवर। लीवर का मतलब होता है यकृत। ज्यादा खाना खाने के बाद यही वाला खराब होता है। ठीक है, लीवर। लीवर मतलब क्या होता है? यकृत होता है। ठीक है, आगे है लंग। लंग मतलब क्या होता है? फेफड़ा। इसी से हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। इसमें किसी तरह से प्रॉब्लम होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? खांसने लगते हैं। सच में? तो लंग में खराबी होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? खांसने लगते हैं, जिसका लंग का हिंदी क्या होता है? फेफड़ा होता है। ठीक है, आगे है प्लीहा। प्लीहा मतलब क्या होता है? सॉरी, स्प्लीन। क्या लिखा हुआ है? स्प्लीन। स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा। क्या होता है? प्लीहा। ये भी हमारा शरीर का अंदर वाला अंग है। ठीक है, आगे है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंत। इंटेस्टाइन मतलब क्या होता है? आंत। देखो यहाँ पे INTESTINE, या इसको अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ो। यहाँ से हो जाएगा इंटेस। क्या हो जाएगा यहाँ से? इंटेस। और ये क्या हो जाएगा? टाइन। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइन हो जाएगा। इंटेस्टाइन मतलब क्या बताए? आंत होता है। ठीक है, आगे है लार्ज इंटेस्टाइन। यही वाला लिखा हुआ है इंटेस्टाइन। यहाँ भी इंटेस्टाइन, इसमें क्या जोड़ दिए? लार्ज जोड़ दिए। लार्ज मतलब क्या हो गया? बड़ा। लार्ज मतलब क्या हो गया? बड़ा। तो बड़ा से क्या हो जाएगा? यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन का हिंदी क्या हो जाएगा? बड़ी आंत हो जाएगा। और इसके हटा करके क्या लिख दिए? स्मॉल लिख दिए। स्मॉल मतलब छोटा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या होता है? छोटी आंत हो जाएगा, है ना? हमारे शरीर में दो प्रकार के आंत होते हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है और एक क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को जो लंबाई होता है, अगर तुम लोग से जीके में पूछ दे कि हमारा बड़ी आंत की लंबाई कितना है, तो याद रखना 1.4 मीटर। कितना मीटर? 1.4 मीटर इसका लंबाई होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई कितना होता है? तो 7.5 मीटर इसका लंबाई होता है। ऐसा समझ में? 7.5 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई होता है। आगे है किडनी। क्या है बाबू? किडनी। किडनी, किडनी का मतलब होता है किडनी। किडनी मतलब किडनी। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में दो किडनियां होती है और कोई भी आदमी एक किडनी से भी जीवित रह सकता है। ऐसा समझ में? तो किडनी मतलब किडनी ही होता है। आगे है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का मतलब होता है अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। ये भी हमारा शरीर का अंदर वाला भाग है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर एक दो बार इसको घर में जाकर के पढ़िएगा तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है।